आपका उम्र हो गया वोट करने का? अच्छा, आप युवा से लग भी रहे हो, तो आप किसको वोट करोगे? झाड़ू, झाड़ू को। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? बस मुद्दा है विकास करेंगे, विकास करेंगे। तो राहुल गांधी भी तो विकास कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? सोनिया जी भी तो विकास कहाँ कर रहे हैं? नहीं नहीं, नई दिल्ली को जो पिछले 10 साल में था नई दिल्ली या दिल्ली, उसके हालत में सुधार नहीं हुआ आपको लगता है? कांग्रेस ने काम नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने काम नहीं किया। अब पहले जब वो केजरीवाल जी आए थे, पुलिस वाले को रोकते नहीं थे, अब क्या गए तो रोकने चालू कर दिया, जिस मर्जी को रोक लेते हैं गाड़ी पे। पुलिस वाले को मतलब? पुलिस वाले जब केजरीवाल जी आए थे जब तो रोक नहीं रहते, अब जैसे हटे रोकना चालू कर दिया। अब खुद देख लो, बैरियर लगा के खुद रोक रहे हैं, बेफालतू में रिश्वत लेने द्वारा चालू कर दी, खुद ही देख लो। हर रिश्वत लेने चालू कर दी। कानून कानून के लिए अगर आपको चेक करते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? कानून के लिए जब बेफालतू में बैरियर लगा रहे हैं, बेफालतू में डंडा दे के रोक रहे हैं, सीधा जा रहा बंदा उसे भी रोक रहे हैं। तो केजरीवाल केजरीवाल जो आए थे तो वो उनको अंकुश लगा रहे जब तो डरता ना, उन्हें हटने का डरता। अच्छा जनाब, उसका था। हाँ जनाब, आइए आइए, आप किसको वोट करेंगे सर? हम झाड़ू करेंगे। झाड़ू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हाँ ऐसा था कि जब केजरीवाल था तो ना ट्रैफिक वाला पैसे मांगता था, लाइसेंस के बारे में पूछता था, सब खुला था। अब टोटल ओपन है, हर कोई पैसा मांगता है, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो, वही दोबारा चालू हो गया। पहले पुलिस भी डरती थी पैसा लेते, पुलिस भी चालू हो गई, सारी चीज रुक गई थी। भ्रष्टाचार 70% दिल्ली में रुक चुका था। अच्छा, जो फिर दोबारा चालू हो गया। तो केजरीवाल जी छोड़ क्यों दिए सरकार? केजरीवाल छोड़ दिए, उनकी चल रहा था तो उनको जाना चाहिए था, बहुमत कांग्रेस ने वापस ले लिया उससे। उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बनने की ललक। देखिए जी, सारी चीजें आस्ते आस्ते होती है। केजरीवाल ने जितना उनको दिल्ली में रहना चाहिए ना, दिल्ली को क्यों छोड़ा उन्होंने? आगे इलेक्शन जो लड़ना था एमपी का लड़ना था, इसलिए उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया। मतलब आपका करप्शन का ठीक करना उनका एजेंडे में नहीं था? नहीं, एजेंडे में था, पर पूरे देश को लेके चल रहा है ना उनको, तो पूरे देश को लेके पावर नहीं है ना उनके पास अभी। हाँ जनाब बोलिए, आप किसको वोट करेंगे? कांग्रेस को वोट करूंगा। आप कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस को वोट करूंगा। जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 5 साल के चुनाव के अंदर उन्होंने क्षेत्र की सूरत बदलने के अंदर बहुत अच्छा विकास कार्य करा है। हमारे क्षेत्र के अंदर जो एक सबोली के अंदर एक स्टेशन बनाया है रेलवे का स्टेशन, जो एक सांसद के लिए बहुत बड़ी बात होती है रेलवे का स्टेशन बनवाना, और एक जो है स्कूल के लिए उन्होंने जो है सेंट्रल स्कूल के लिए उन्होंने नियुक्त किया है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत करप्शन किया है, हाँ इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, झाड़ू को करेंगे। मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस क्षेत्र का जो बारे में ये लोग कह रहे हैं, इस क्षेत्र का जो सांसद है हाँ, उसके ऊपर कभी कोई जो है करप्शन का जो है इल्जाम नहीं लगा है। मैं क्षेत्र के सांसद की बात कर रहा हूँ। मनोज तिवारी के ऊपर करप्शन? मनोज तिवारी जी की जहाँ तक बात है, वो तो पैराशूट कैंडिडेट है। बीजेपी को यहाँ से दिल्ली के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने जो है मनोज तिवारी जी को पूर्वाचल से लाके यहाँ पे लड़ा है। नहीं, लेकिन आप ये मानेंगे कि नरेंद्र मोदी गुजरात में बहुत बेहतर काम किए हैं, इसलिए उनको वोट देना चाहिए? मेरा का ये मानना, शायद जो मैं अभी गुजरात में देखा नहीं है कि बेहतर काम करा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि दिल्ली के अंदर भी बेहतर काम हुआ है। दिल्ली के अंदर बेहतर काम हुआ है, लेकिन कुछ मुद्दों पे जो है हमारी सरकार जो है गई है, जिसके अंदर हम जो है अपने मुद्दे प्रचार नहीं कर पाए उस चीज का। दिल्ली के अंदर आज हर क्षेत्र के अंदर फ्लाईओवर, हर क्षेत्र के अंदर जो है बिजली की व्यवस्था सुधरी है। बिल महंगा हुआ है वो मानते हैं, लेकिन बिजली की व्यवस्था सुधरी है। और आपने देखा होगा हर क्षेत्र के अंदर, दिल्ली के अंदर इतने, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतर काम किया और अरविंद केजरीवाल को ही मौका मिलना चाहिए। 49 दिन में अरविंद केजरीवाल ने जो करके दिखाया वो किसी ने नहीं किया। 49 दिन के अंदर कितने फ्लाईओवर बन गए, 49 दिन के अंदर कितने जो है स्कूल बन गए। उन्होंने कहा था 500 स्कूल हर क्षेत्र के दिल्ली के अंदर पास कराएंगे, एक स्कूल की उन्होंने नियम नहीं रखी। हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, उनकी वजह से स्कूल का काम रुका हुआ है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, सरकार चालू रहती, तो यही मिडिल स्कूल की जगह हमने 12th तक करवाने के लिए स्कूल की जगह जो है सरकार के पास रख दी थी, लेकिन वो स्कूल जो है ये इस्तीफा दे के भग गए, इस वजह से स्कूल का काम रुका पड़ा है। तो आपको आपको लगता है कि कांग्रेस को आपको वोट देना चाहिए? नहीं, क्षेत्रीय जो सांसद यहाँ से लड़ रहे हैं हम उसको वोट देंगे। जो क्षेत्र को वोट नहीं करेंगे? नहीं, कांग्रेस को वोट करेंगे, कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे। सांसद से आपका विशेष अनुराग है क्या? कुछ प्रेम है? कुछ लाभ है? काम कराए, ईमानदार आदमी है।